बसमिल रहीम मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदी कहता हूँ लाहौर से, से खबर यह है कि मीनार पाकिस्तान को जितने भी रास्ते जाते हैं वहां पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं और हकूमत इस जलसे को किसी सूरत भी होने नहीं देगी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि जब आवाम इमरान खान के बगैर बाहर निकलती है तो ये पैगाम पूरी दुनिया को जाता है कि एक पावर हाउस है अडयाला झेल जहां से इमरान खान के एक इशारे पर कौम लबैक कह रही है पाकिस्तान मुस्लिम नून हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो पाकिस्तान की दीगर सियासी जमाते हो अपने लीडर के बगैर कभी बाहर नहीं निकली और इवन लीडर जब कॉल भी देता है तब भी बाहर नहीं निकलते बाबू जी ने इसका बर्मला इजहार मुताद दफा किया कि आप मुझे कहते हैं निकलो और पीछे देखता हूं तो कोई नहीं होता इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया आज से दस साल बाद बीस साल बाद जब पाकिस्तान की तारीख 2024 का जिक्र होगा या फिर आने वाले बरसों में या इस सदी की तारीख का जब जिक्र होगा सियासी तारीख का हवाला दिया जाएगा तो इमरान खान की सियासत को बतौर नज़ीर किताबों में मौरख लिखेगा कि एक लीडर था एक लीडर है किताबों में जिसके एक इशारे पर कौम लबैक कहती थी और ये मकाम इमरान खान को कायदे अजम के बाद अगर किसी को मिला तो वो कायद अजम के बाद इमरान खान है जिसके एक इशारे पर कौम बाहर निकलती है और उसकी कॉल के ऊपर लब बैक कहती है हमने ये मनाजिर इससे पहले कभी नहीं देखे लोग लाउड स्पीकर लेकर सड़कों पर आ गए उनको मालूम है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा उन्हें यह भी मालूम है कि उनकी फैमिली को जो है वो उठा लिया जाएगा लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लाउड स्पीकर उठाए इस खौफ को पसे पुश डालकर खौफ के बुत तोड़कर उन्होंने हर हाल में इमरान खान का पैगाम गली गली नगर नगर पहुंचाया और व्यूर्स लाहौर से ये खबर आ रही है कि संगिया पुल अगर आप लाहौर में एंटर हों जितनी भी एंट्रेंस हैं बंद रोड से आप एंटर हों इसके अलावा जो कसूर से रास्ते आते हैं वहां पर भी इसके अलावा मोटरवे हर जगह पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए वो तमाम काफिले जो लाहौर के अंदर से आएंगे वो मीनार पाकिस्तान नहीं जा सकेंगे वो तमाम काफिले जो इस्लामाबाद से चलेंगे रावलपिंडी से चलेंगे उन्हें वहीं पर रोकने की जो है वो तैयारी की जा रही है झंग और वो तमाम इलाके जो मोटरवे के साथ साथ जो जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी कंटेनर्स पहुँचा दिए गए हैं ये हुकूमत की बुखलाड़ का नतीजा है आप अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को ये मालूम नहीं पड़ रहा तो लाहौर का जो रहने वाला है उसे ये ज़रूर पता चल गया आज इन कंटेनर्स को पहुंचा कर कि मरीम का लाहौर नहीं है ये इमरान खान का लाहौर है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का लाहौर है और वहाँ पर ये इस वक्त सब कुछ जो है वो कर रहे हैं इमरान खान की सियासी ताकत इमरान खान की मोहब्बत और मकबूलियत जेल में बैठ कर भी जो हकूमत में बैठे हुए हैं उनसे कई ज़्यादा है और हकूमत अब इस बुखलाट में कंटेनर्स की सियासत करने जा रही है और ख़बर ये भी है व्यर्स के पाकिस्तान इंसाफ के काफिले अटक तक जाने का इम्कान है उसके बाद खंदकें खोद कर और बहुत सारे ऐसे मकामा पर कंटेनर्स लगाकर पुलिस की भारी नफरी पहुँचा कर इन तमाम काफिलों को रोकने की कोशिश की जाएगी पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ के पी से काफिले चलेंगे वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं मशीनरी होगी और पुलिस के साथ यकीन इनका एक काउंटर होना है इनकाउंटर कहीं पर भी हो सकता है आमना सामना होगा और उसके बाद दमदम मस्त कलंदर जिसका जिक्र अली गंडापुर भी कर चुके हैं ये जरूर होगा क्योंकि खबरें इस किस्म की लाहौर से मनारे पाकिस्तान से आ रही हैं व्यवर्स ये वो जगह हैं जहाँ पर इससे पहले बाऊजी के जलसे को कामयाब बनाने के लिए पुलिस की भारी नफरी को बतौर ऑडियंस बैठाया गया और आप लाहौर पुलिस से अगर किसी से पूछें तो वो आपको हंसते हुए वो तमाम उस रात के किस्से सुनाएंगे कि किस तरह उनकी ड्यूटीज लगी लगाई गई किस पुलिस लाइन से कितने लोग आए उन्हें सादा कपड़ों में वहां पर कुर्सियों में बिठाकर क्या कहा गया और बाज लोगों को तो मुस्लिम इखनून के झंडे भी पकड़वाए गए कि आपने लहराने हैं जब नवाज शरीफ साहब कोई भी बात करें और फिर इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने फोन्स के अंदर मीम्स भी बनाई वो गो पब्लिश नहीं की लेकिन लोग आपको ये जरूर दिखाएंगे एक दो से तो मेरी भी बात हुई और उन्होंने जो लोग वहाँ पर मौजूद थे पुलिस के जितने भी एहलकार फरुख़बाद जो पुलिस लाइन है वहाँ से ही आए हुए थे उन्होंने मुझे ये वीडियोस भी दिखाई तो ये इस वक्त हालात हैं और मैं आपको एक और इस बुखलाहट के अंदर हुकूमत ने क्या किया जी एक तरमीमी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमी एक ऑर्डीनेंस जारी कर दिया और इस ऑर्डीनेंस को जारी करने का बुनियादी मकसद ये था कि आप काजी साहब को किसी तरह से मजबूत बनाएं केस आपकी मर्जी से लगना चाहिए केस किसी और की मर्जी से नहीं लगना चाहिए इस तरमीम के अंदर पांच चीज़ें जी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हुकूमत ने चेंज करके तरमीम करके अपने हाथ में कर लिए एक तो 184 183 और इसमें जो है जो रिस्ट्रिक्शन है ये भी आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी कि अगर कोई केस मफाद आमा का है तो रिटर्न बताया जाए कि ये मुफाद आमा का केस कैसे है और फिर अपील का हक हाँ ये भी दिया जा रहा है फिर इसके साथ साथ एक और इन्होंने काम ये किया कि जो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी है जिसके ऊपर कल से हम ये तमाशा देख रहे थे और सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी हैं वो ये आपको बर्मला बताते हुए नजर आएंगे कि कल जजिस की कमेटी का इजलास था जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर इंतजार कर रहे थे लेकिन दूसरी तरफ से इन्होंने क्या किया कि जब काजी साहब से पूछा गया तो उनका पैगाम आया कि यार अब मैं घर आ गया हूँ और मैं इस कमेटी के इजलास के लिए जो मेरी जो दस्याबी है वो नहीं है लिहाजा आप इसे मअल कर दें और नेक्स्ट जुमरात को देखेंगे मीन वालों इन्होंने क्या काम किया इनको मालूम था कि इन्होंने एक लेकर आना है और उसके बाद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो इस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशन हैं इसका हुलिया चेंज कर दिया जाएगा और वही हुआ अब होना पता क्या चाहिए कि काजी साहब का फ़ोन चेक किया जाए काजी साहब का राबता किन लोगों से है काजी साहब किससे रबते में रहे कौन आया है काजी साहब को पैगाम देने के लिए और ख़बर इस कौन है आपको पता लग जाएगा कि हुकूमत और काजी फायज के दरमियान मुसलसल रबते हैं यार ये तो नहीं हो सकता ना इतने को तो नहीं होंगे ना कि काजी साहब फॉर्मेशन कमेटी में ना बैठे और उसके बाद क्या हो कि एक तरमीमी ऑर्डीनेंस आ जाए जिसके ऊपर दस्तखत करके आप ये पूरे का पूरा खेल जो है वो खेल रहे हैं व्यवर्स इसके अंदर जो मजीद चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इस वक्त टारगेट क्या था और आ, काजी साहब अब क्या कर सकेंगे क्योंकि वो हमेशा से आइन पाकिस्तान को आ, मुकदम नहीं समझते वो पार्लीमान को मुकदम समझते हैं और वो बार बार ये कहते रहे कि हमारी तादाद सत्रह है पार्लीमान में तीन सौ समथिंग का ऐवान है और जो आ, सेंस प्रिवेल ये करती है कि एक आ, बड़ी आ, जो आ, पार्लिमान है वो कोई फ़ैसला करे तो हम सत्रह जजेस उसको किस तरह उल्टा सकते हैं अब कादी साहब ये तमाम बातें कर रहे हैं ना और आपने इस वक्त को याद करना है क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की हुकूमत मैंने कल भी ये बात की थी कि कासिम सूरी की रूलिंग के अंदर ऐसी क्या कबाहत थी जिसे तस्लीम नहीं किया गया और आर्टिकल छः का आपने मुकदमा जो है वो तैयार कर लिया लेकिन दूसरी तरफ इसी पार्लिमान से आप जो मर्जी करें आप उसे सुप्रीम जो है वो समझते हैं वफाकी कबीना ने जी सुप्रीम कोर्ट में तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पहले मंजूर किया और फिर इसे असदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भेजा गया जिस पर उन्होंने अपने दस्तखत कर दिए हैं इस तरमीम के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर करदा जज केस मुकर करेगा अब हो ही रहा था कि जस्टिस मुनी बख्तर जस्टिस मंसूर अली शाहब और मोहतरम इज़्ज़त मब जनाब सरकार काजी साहब जो ख़तों वली सरकार के नाम से भी एक ज़माने में मशहूर थे इन्होंने जब देखा कि यार जो भी केस आता है इनकी अक्सियत है मेरे खिलाफ भी फैसले देते हैं और मैं जो बात करना चाहूँ तो उसमें दो एक से हर चीज़ सामने आती है तो हुकूमत को भी इस कमी का एहसास हुआ जाहिर सी बात है हुकूमत को भी नज़र आ रहा होगा ना कि काजी साहब की मुश्किल क्या हैं तो उन मुश्किल को आसान बनाने के लिए ये बाकायदा तौर पर इन्होंने इसके अंदर तरमीम की यानी अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो होंगे लेकिन जो तीसरे जज हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होंगे जस्टिस मुनीब अख्तर से इनका पहले भी आंकड़ा चल रहा था और आपको याद होगा कि इससे पहले जजेस कमेटी आ, के इस फैसले से पहले भी जब काउंसिल का एक कॉन्फ्रेंस में जब ये सब लोग बैठे हुए थे और जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला आया तो उन्होंने कहा था कि आप इंतज़ार कर लें लेकिन इंतज़ार नहीं किया गया और वो उठ कर चले गए और उस वक्त से मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो इनको खटक रहे थे और अब उन्हें एलिमिनेट कैसे किया गया ये इसका तरीका कार निकाला गया और मुमकिन तौर पर अब वही चीफ जस्टिस का के साथ तीसरा जज बैठेगा जो उनका हामी हो अ तारण ने इसकी एक तोजह यह पेश की है कि जनाब क्योंकि अदम दस्तियाबी की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस लगते नहीं थे लिहाजा हमने इसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए इसके अंदर तरमीम लेकर आए हैं जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस समीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मंदूखेल में से अब किसी एक का इंतखा किया जाएगा और ये प्रपोशन को अपने हामी जजिस को बढ़ाने के लिए काजी साहब ने ये काम सारे का सारा जो है वो किया है अबीर्ज इस मुल्क के अंदर नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक आइन में अंदर तरामीम आप करते हैं तो यक़ीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल को इन तमाम तरामीम को उल्टा सकती है हकूमत जो खेल इस वक्त खेल रही है ये बहुत ही खतरनाक खेल है हकूमत के लिए और अगर ये आगे बढ़ेंगे तरामीन के मामले में तब मरेंगे अगर पीछे हटेंगे तो फिर पाकिस्तान की स्टबलिशमेंट इनको मारेगी तो दोनों तरफ हुकूमत के लिए ये मुश्किल हैं ये वही दास्तान मजबूरी है जो कामरान मुर्तज़ा ने सुनाई कि हम मजबूर हैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को ऐसी जमहूरीत को हमेशा के लिए रादा दरगाह करते हुए इस मुल्क के अंदर दोबारा इलेक्शन करवाने चाहिए मसलहत की सियासत और नज़र ज़रूरत की तरमीम पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाएंगी आज आपने तकरीर की कि देखें इस तरमीमी एक्ट के ज़रिए अब हम क्या करने जा रहे हैं जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं जितने भी दलाइल दिए जाते हैं अदालत के अंदर इसको लिख कर आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे यानी टाइपराइटर की सहूलत मैसर होगी हमने पाकिस्तान से बाहर दुनिया की अदालतों में ये देखा कि जितनी भी प्रोसीडिंग होती है जज एंड जूरी जो रिमार्क्स दिए जाते हैं जो सवालत पूछे जाते हैं जो रिएक्शन आता है वो मिनो अन उसे टाइप किया जाता है ठीक हो गया और बर्तानिया में जब ये डेली मेल का केस चल रहा था तो अगर आप आज भी चाहें तो उस अदालत की प्रोसीडिंग को हासिल कर सकते हैं और ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कोई भी जाकर उसे हासिल कर सकता है पढ़ सकता है ये तो जी बहुत अच्छा काम हो गया लेकिन इसके साथ साथ यानी ये होना चाहिए था ना बा दफा हमने ये देखा कि जजेस बयान देते हैं रिमार्क्स देते हैं बयाना बयान इसलिए कहा कि पोलिटिकल नोयत के होते हैं तो वो किसी को याद नहीं रहते कि किस केस में क्या प्रोसीडिंग हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बनने चाहिए थे कम अज कम बाहर की दुनिया में ऐसा हमेशा हुआ है तो ये एक अच्छा काम है होना चाहिए था लेकिन जो बाकी आपने काम किए वो यकीनन ये नज़रिये ज़रूरत के तहत हो रहे हैं ये काजी साहब को मजबूत करने के लिए और जो इनके आखिरी पैंतीस दिन है ना ये कॉम के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाले हैं पाकिस्तान की हुकूमत की मजबूरी ये है कि अगर ये तरामीम नहीं करती एक मुनसिफ आएगा इन पूरी जो इलेक्शन टर्मिनल्स की जो हकीकत है वो कॉम के सामने रखेगा फॉर्म सैंतालीस जो है वो पहले ही एक्सपोज हुआ हुआ था इसे नंगा करेगा जो इसमें इन्हें बार बार आइनी तरामीम के जरिए कपड़े पहनाने की कोशिश की जा रही है अब नहीं होगा तो ये खतरा है जिसके मुताबिक इस ऑर्डिनेंस को इन लोगों ने पास करवाया और अभी आपके सामने हो रहा है इसमें एक और बड़ा एक इंतहाई अहम केस है इस पर अता तारण साहब ने भी लभ की और वो ये कहते हैं कि सिक्सटी थ्री ए की तशरी का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है क्यों ये काम नहीं हो रहा और सिक्सटी थ्री ए की तशरी का केस काजी अपनी मर्जी के बेंच के सामने लगाना चाहते हैं और अगर जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अगर बैठे होते तो ये नहीं होना था तो इस केस को मर्जी के बेंच के सामने ले जाकर अपील का फैसला ये करवाएंगे और जल्दी करवाएंगे और फिर क्या होगा यानी फ्लोर क्रॉसिंग की एक राह हमवार की जा सके और इसमें एक जो अगला नुकता है वो एक तो टाइमिंग का है कि जिस ऑर्डर में जो केस आएगा उसे उसी ऑर्डर में लगाया जाएगा यानी लाइन तोड़ के कोई आगे नहीं आएगा जंपिंग द क्यू वाला जो मामला है ये अतातारण की तरफ से बयान किया गया तो खान साहब की दरखास्तें तो सरकार बहुत देर हो गई है इस अदालत में लगी हुई हैं लेकिन उन्हें इस चीज़ का तयन कैसे होगा कि मफाद आमा का केस और फिर इसके अलावा जो अर्जेंट केसेस हैं जिनमें बेल है दीगर मामला हैं आप उसके ऊपर भी क्या क्यू वाला रूल जो है अप्लाई करेंगे अगर खान साहब की बारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर पचास हज़ार केसेज़ हैं और उनकी केसेस की नोयत जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो क्या इन तमाम केसेस को एक ही तरह लाइन में लगाया जाएगा या फिर इसको कैटेगराइज करके मुख्तिफ़ लाइनों में लगाया जाएगा ये भी एक अहम सवाल है और अतार नजरिए ज़रूरत के तहत आज आपको बोलते हुए तो नजर आए लेकिन दूसरी तरफ इनकी एक कोशिश है मैं व्यवर्स आपको ये भी खबर दे दूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा अब इनकी मुदत मुलाजमत ख़त्म होने में चार माह बाकी रह गए हैं जी और गलबा ये जनवरी में इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी अब उन्हें भी तहफ़ देने के लिए आयन के आर्टिकल्स के अंदर तरमीम करने की खाश का इजहार किया गया और हुकूमत का आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोबारा तैनाती का एक मनसूबा है आपको पाँच साल हुकूमत आपने की यानी टू वन फाइव में अगर आप तरमीम करते हैं पाँच साल हकूमत करने के बाद आपका कहते हैं ना कि टिडनी रजिया और हकूमत करने का लफ्ज मैंने असर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये मुल्क के अंदर हुकूत ही कर रहे हैं ना और क्या कर रहे हैं इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत के अंदर इजलास हो रहा है जी इस्लाबाद में और उसमें एक तो मुशावरत ये की जा रही है कि ये जो मखसूस नशस्तें हैं जो हमने बाकी पार्टीज़ को दी थी इसका असल हकदार कौन है और सुन्नी तहाद कौनसिल को क्या ये मखसूस नशस्तें दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती आज जी जो सेक्रटेरिएट है इसम्बली का वहाँ से काम ये हुआ है जी कि इलेक्शन कमीशन ने अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बारह जुलाई के फैसले की तोहन की और स्पीकर कौमी असम्बली सरदारियादी के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है कौमी असम्बली सेक्रेटरी ने नई पोजीशन जारी कर दी है जिसके मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अस्सी अरकान सुन्नी इतिहाद कौंसल का उन्हें रुकन जाहिर किया गया है हकूमती बेंचेस पर कौमी असम्बली में मुस्लिम की डून एक सौ दस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के की उनहत्तर नशिस्तें हैं जी जबकि एम क्यू एम पाकिस्तान की बाईस काफ लीग की पांच आई पी पी के चार और मुस्लिम लीग जिया बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक एक रुकन इसके अंदर शामिल है बेंचेज पर बीस मखसूस नशस्तों के सिवा दो सौ तेरह अराकान हैं जबकि अपोजिशन बेंचज पर सुनी हाथ कौंसिल के अस्सी से अस्सी जे यू आई के आठ पी टी आई के हमायफ्ता आठ आजाद अरकान और इसके साथ साथ पी के पखतूनख्वा मिली अवी पार्टी इसके साथ बी एन पी मैंगल एम डब्ल्यू एम का एक एक मेबर इसके ऊपर मौजूद है मखसूस नशितें गिनती में शामिल नहीं कौमी असम्बली में अरकान की तादाद तेईस मखसूस नशितों के बगैर तीन सौ तेरह है अब जो नए नंबर्स बन रहे हैं जी ये भी मैं आपको बता देता हूं और सवाल इसके साथ जो जुड़े हुए हैं देखें एक तो अगर ये तमाम लोग सुन्नी तहत कौंसिल के लोग हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ जाकर आपने ये काम किया तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें मखसूस नशस्तें जो दी गई आप इन्हें नहीं देंगे यानी यही है ना कि इन्होंने लिस्ट जमा नहीं करवाई थी और इसके ऊपर बहस भी होती रही तो लिस्ट जमा अगर नहीं करवाई तो क्या ये तेईस लोग जो तेईस मखसूस नशस्तें हैं क्या वो दीगर पार्टीज़ को भी दे दी जाएगी ये भी कानून के अंदर यानी इस फैसले के अंदर ये एक इंतहाई अहम चीज़ होगी कि तेईस मखसूस नशितें आप दीगर जमातों को कैसे दे सकते हैं क्योंकि ये जो हक़ था वो एक जमात का है जिसे आपने तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान तहरीक को बतौर जमात तकरीबन तमाम जजेज ने जी तस्लीम किया और ये जो अब सेक्रेटेरियट से लिस्ट जारी की गई इसने तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने हमायती जजिस के फैसले के खिलाफ भी इस लिस्ट को जारी किया है अब सवाल आप व्यूज इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तोहन हो रही है मुसलसल हो रही है फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाजे लिखा कि पी टी आई एक सियासी जमात थी और है इसके बाद जो वजाहत जारी की गई इसमें भी लिखा गया कि पीटीआई एक सियासी जमात थी और अभी भी है इसके बावजूद पीटीआई को कौमी इसम्बली में क्यों तस्लीम नहीं किया गया अब सुप्रीम कोर्ट को जो चाहिए कि तफसीली फैसला लेकर आए और ये जो हकूमत इलेक्शन गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का ये अब फैसले के बाद ही जो है उम्र ख्याल है कि आ, सामने आ सकता है एक्सपोज हो सकता है यानी इसके ऊपर मोहर लगे एक्सपोज तो हो मेरी इतलावियर्स ये भी हैं कि इस फैसले के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और ये भी खौफ है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के को कवर करने वाले सहाफ़ी से पहले भी कह चुके हैं कि इन्होंने कोशिश की यानी पैगाम भेजा गया जस्टिस मंसूर को कि आप हथौला रखें और रेफरेंस वाली बात ऐसा कोई मवाद ना है जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस जो है वो आने वाली हुकूमत बना सके तो अब जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं इनके ऊपर तो आर्टिकल छः लगना चाहिए ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन को सबोताश करने में यानी ये एक ऐसा अनोखा लाडला है जिसके लिए इस वक्त मुल्क के अंदर ये सारे का सारा काम जो है वो किया जा जाए अरुण आखिर में आपको ये भी खबर दे दूँ कि अस्सी लोगों को गिरफ्तार किया गया लाहौर के अंदर और आईजी साहब ने कुछ और बात कही हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट ने दरख्वास को निपटा दिया है ये कहकर कि इन्हें मुनासिब जगह दे दी जाए तो ये आपके मुल्क की अदालतें हैं जो इंसाफ नहीं दे रही बल्कि पाकिस्तान की आवाम का इस्तेसाल कर रही है। अगर हैं अगर अदालतें बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा अपने कमेंट्स भेजिएगा अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी इजाजत दीजिए के बाद